मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो प्रारंभ करने के पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके सहयोग से हम मेरे YouTube चैनल में 43,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत तुरंत पहुँचते रहें। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे और भी ज़्यादा उत्साह मिलता है। आज मैं जिस आयुर्वेदिक औषधि की चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है संजीवनी वटी। संजीवनी वटी जैसा नाम है वैसा ही काम है। संजीवनी वटी का मुख्य काम है शरीर के टॉक्सिन को, शरीर के विजाती तत्व को बाहर निकालना, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। दूसरा काम है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अच्छा करना। तो इसके बारे में और कुछ जानने के पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें घटक द्रव्य कौन कौन से पड़े हुए हैं। इसके घटक द्रव्यों की मैं चर्चा कर रहा हूँ तो दर्शक चाहें तो नोट कर लें या फिर उन्हें कुछ इसके घटक द्रव्यों के बारे में जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें और मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपकी सेवा में रख सकूं। संजीवनी वटी के जो घटक द्रव्य हैं उसमें पहला द्रव्य है वायवेडंग, दूसरा है पिपली, तीसरा है विभीतक यानी वहेड़ा, चौथा है वच, पांचवा है शुद्ध भल्लातक या भेलावा और छठा है गुड़ुची गिलोय, सातवां है सौंठ या सुंठी, आठवां है हरितकी जिसको हरड़ बोलते हैं, नवा है आमलकी यानी आंवला और दसवां घटक द्रव्य है शुद्ध वत्सनाभ। ये इसके 10 घटक द्रव्य हैं और यह टॉक्सिन को निकालने का काम करता है, जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है, मूत्रल है, पेशाब के रास्ते जो विजाती तत्व हैं वो शरीर से बाहर चले जाते हैं और यह पसीना भी पैदा करती है जिससे विजाती तत्व पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो टॉक्सिन बाहर करने का जो गुण है इसकी वजह से ही कुछ वैद्य लोग सांप काटने की दशा में, सर्प दंश में रोगी को इसका प्रयोग करवाते हैं। पसीना ज़्यादा पैदा करती है, पसीने के द्वारा विजाती तत्व को शरीर से बाहर निकालती है, इसलिए बुखार उतारने में भी इसका बहुत अच्छा काम है। पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी है या पच की समस्या है उसमें भी संजीवनी वटी का योग बहुत अच्छा है। पेट रोगों में अगर गुल्म वगैरह है पेट में उसमें भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा लाभदायक है। डायबिटीज के रोगी भी इसको ले सकते हैं या डायबिटीज के लक्षणों को कम करने में सहायक है, डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है। लीवर को ठीक रखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अगर लीवर फैटी हो गया है तो संजीवनी वटी का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी खांसी या फिर सर्दी खांसी की वजह से अगर संक्रमण है गले में लंग्स में तो संजीवनी वटी बहुत अच्छा काम करती है। उल्टी रोकने में या दस्त बंद करने में भी बहुत सहायक है, बहुत अच्छा काम करती है और इसका एक गुण है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है
यानी कि जलन, अगर बर्निंग सेंसेशन पेट में या ऐसा किसी हिस्से में है तो आप संजीवनी वटिका निसंकोच प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। तो अगर यूटीआई, जिसको यूरिनरी ट्रैप्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, मूत्र मार्ग में कोई इन्फेक्शन आया हुआ है, कोई विकार है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है, फीवर में तो काम करती है। तो यह जैसा इसका नाम है वैसा ही गुण प्रदर्शित करती है। इसको बहुत दिनों तक सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें दो चीज़ें जो हैं उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। एक तो इसमें शुद्ध भल्लातक है और दूसरा है शुद्ध वत्सनाभ। शुद्ध वत्सनाभ को विष की श्रेणी में रखा गया है। तो इन दोनों औषधियों की वजह से बहुत दिनों तक सेवन नहीं करना चाहिए। अब वैद्य की सलाह से आप कितने भी समय तक सेवन कर सकते हैं, अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर उचित मात्रा में लेते हैं तो। इसकी मात्रा 1-2 टैबलेट है और इसका अनुपान है गर्म पानी। तो गर्म पानी के साथ में अगर लेते हैं 1-2 टैबलेट सुबह शाम, तो बहुत दिनों तक आप ले सकते हैं, पर किसी वैद्य से सलाह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी इच्छा से कोई दवा ज़बरदस्ती सेवन ना करें। आपने मेरे लाइव स्ट्रीम में भी सुना होगा कि कायाकल्प में भी इसका प्रयोग करते हैं। उसमें 3 औषधियों का प्रयोग डॉक्टर VP त्रिपाठी ने बताया, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। उनका नाम इसलिए मैं लेना उचित समझता हूँ कि यह योग उन्होंने ही लाइव स्ट्रीम में सामने रखा। 2 टैबलेट चंद्रा प्रभावटी, 2 टैबलेट संजीवनी वटी और 2 टैबलेट गुक्षुरादि गुगुल। अगर ये 6 टैबलेट सुबह सुबह और शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन केवल सुबह सुबह ही लेते रहें तो बुढ़ापे को आप दूर भगा सकते हैं। इसकी तासीर गर्म है, इसलिए भोजन के बाद लें तो ज़्यादा अच्छा है। गर्भवती महिलाओं को ना सेवन करवाएं, क्योंकि तासीर गर्म है और कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन उचित मात्रा में लें, बहुत अधिक समय तक सेवन ना करें। आवश्यक जानकारी जो संजीवनी वटी के बारे में थी आपके सामने मैंने रखा। सभी बड़ी कंपनियां इसको बनाती हैं, यह शास्त्रीय औषधि है, निसंकोच आप प्रयोग करें। कुछ शंका कुशंका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।